सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एंड हम लोग आज पार्ट 5 कवर कर रहे हैं इसका. सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पांच हम लोग चेक करते हैं. आई मीन हर हर वीडियो में, एवरी डे तो नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल हर वीडियो में हम लोग पांच ऐसे इंग्लिश के टॉपिक कवर करते हैं जिसमें हम लोग अच्छे से, जिसको बिना कोई होच पोच के याद कर सकें, है ना. तो फॉर नाउ 5 हो रहे हैं, अभी धीरे धीरे बढ़ाएंगे जैसे जैसे इसमें एंकरेजमेंट आएगा. एनी वेज, आई एम नॉट लुकिंग फॉर व्यूज, सो जितने आ रहे हैं उतने काफ़ी हैं. बाकी ये पड़ा रहेगा यूट्यूब में, तो कोई ना कोई तो देखेगा ही देखेगा, और इट्स इट्स लाइक बेनिफिशियल, आई एम क्वाइट श्योर. सो इसलिए कंटिन्यू करते हैं. पहला जो है वो है एस्ट्रेंजमेंट, ठीक है. तो देखिए, ई इसको तोड़िए आप, ई स्ट्रेंजमेंट. तो ई जैसे वॉबल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो आप कह सकते हैं ए स्ट्रेंज मैन. सो ए स्ट्रेंज मैन, अ स्ट्रेंज मैन, है ना. तो जैसे मैं आपको पेन के बदले इसमें राजा भाई, हाँ, तो इसको आप काटिए यहाँ से ई वाला, फिर आप काटिए यहाँ पे और एक काटिए यहाँ पे. तो अ स्ट्रेंज मैन मतलब एक व्यक्ति जो हमसे परिचित नहीं है, ठीक है. तो उसको कहते हैं एलियनेशन या दूर जाना, है ना. एंटीपथी, एंटोगनिज्म, ये सब होता है जिसको हम नहीं जानते. आइसोलेशन, एक दूर पे रहता है, जो जो दूर दूर रहता है, जिसको हम नहीं जानते, जो अपने में रहता है, एक अलग जगह पे रहता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रेंजमेंट. मतलब अलग से रहना या दूर जाना या उस चीज़ों से दूर रहना, इसको बोलते हैं. और एंटोनिम जो पता है कि कनेक्शन, फ्रेंडलीनेस, तो बेसिकली एलियंस, ठीक है. एस्ट्रेंजमेंट, अस्ट्रेंज मैन, वो कौन होगा? एलियन. एलियन क्या रहता है? उनसे हमारा कोई भी संपर्क नहीं है, दूर है, आई डोंट नो है कि नहीं, बट स्टिल है कि नहीं. सो दिस इज द वे यू कैन लर्न एस्ट्रेंजमेंट. ओके, देन इरेट. इरेट मतलब इरिटेट, थोड़ा हो रहा है ना नाम, इरिटेट मतलब वो क्या होता है, आपको तंग करना या तंग होना. तो इस बेसिकली एंग्री, एनरेज्ड, फ्यूरियस, फ्यूरियस. ओके, थोड़ा इश हो गया है तो फ्यूरियस. देन सिनोनिम्स होता है आपको एयरफुल, एंग्री, बैलिस्टिक. एंड एंटोनिम्स जो होता है डिलाइटेड, मतलब एकदम खुशी, प्लीज्ड, आई मीन संतोषपंती, हैप्पी, खुशी, है ना. तो दिस इज इरेट, मतलब एंग्री, गुस्सा. इरिटेट होता तो आपको गुस्सा आता है ना, इट्स लाइक दैट, मतलब वैसे तरीके से कुछ, ठीक है. तो नाउ एक्योर. एक्योर क्या होता है कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ.
थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इस वीडियो के साथ में आपको बाकी अगर कोई वीडियोस देखने हैं इस चैनल के तो वो आपके सामने प्रेजेंट हैं, और हम मैंने काफ़ी चीज़ें अलग अलग से कवर की हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं इस चैनल के अंदर अगर आपके कोई आपको कोई ज़्यादा अच्छा वीडियो चाहिए तो, एंड देर आर ट्रिक्स वीडियोज ऑल्सो, तो वो सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, और अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, अनलाइक कीजिए नहीं पसंद आ रहा है तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इसमें और आगे आगे बढ़ता रहूं, एंड और सबसे मेन बात है कि आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मेरे को पता चले कि कितने लोग रुचि दिखा रहे हैं और क्या मेरे में गलती हो रही है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड मिलेंगे अगले वीडियो में।